हेलो दोस्तों जी, ये हम आज घूमने जा रहे हैं, झंडे वालन मंदिर देखने जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों मैं तो अपनी गाड़ी से जा रही हूँ, लेकिन आप इसमें ऑटो से, बाइक से, रिक्शे से और मेट्रो से भी आ सकते हो, क्योंकि हर तरह की सुविधाएं हैं यहाँ पे। तो दोस्तों अब यहाँ के रोड भी काफ़ी अच्छे खुले से हैं और 1 से 1.5 घंटे में आप ये मंदिर में पहुँच सकते हैं। तो चलो दोस्तों दिखाते हैं हम वहाँ का मंदिर। ये है हनुमान जी की सबसे बड़ी मूर्ति, ये देखिए इसके अंदर ही मंदिर बना हुआ है। तो चलो जी हम चल दिए हैं मंदिर के अंदर और बिल्कुल श्रद्धा भावना से इस मंदिर में आना है। और ये देखिए कितना अच्छा खूबसूरत है ये यहाँ के नज़ारे हैं, और हमें तो ये काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी बड़ा मंदिर भी है दोस्तों ये है, और ये देखिए और भीड़ भी कम है, ज़्यादा भीड़ नहीं है क्योंकि आज है मंडे। तो अगर आप ट्यूसडे आएंगे तो इसमें भीड़ ज़्यादा होगी। तो ये देखिए यहाँ पे हर प्रकार की देवी देवताओं की मतलब मूर्तियाँ हैं, और ये पंडित जी हैं, और ये हमारी जब भगवान ने अमृत कलश निकाला था तो उसकी यहाँ पे कुछ मूर्तियाँ बनाई हुई हैं। और ये हैं पंचमुखी हनुमान जी, और काफ़ी अच्छा मंदिर लगा दोस्तों हमें। तो मैं भी दर्शन के लिए आई थी, तो आज मैं ले लिया हनुमान जी का आशीर्वाद। और ये देखिए जी मिल गया हमें आशीर्वाद भगवान का। तो चलो दिखाते हैं और भी, आप दोस्तों इस मंदिर में जब भी आएंगे तो आपको देखना इसमें इतनी अच्छी चीज़ें बनाई हैं। जहाँ हम वैष्णो देवी माता पे जाते हैं ना, तो वहाँ पे जो गुफाएं बनाई हुई हैं उस प्रकार की यहाँ पे मतलब एक अच्छी चीज़ बनाई हुई है, गुफा बनाई हुई है माता के दर्शन के लिए। तो चलो उसमें मैं लेके चलती हूँ मैं आप लोगों को। तो चलिए देखिए छोटे बड़े बच्चे सब आते हैं, और ये हैं पंडित जी। पंडित जी से मैंने कुछ बातें पूछी थी तो उन्होंने बताया था। तो दोस्तों मुझे आज पता चला है कि हवन कुंड में गन्ना जो होता है वो भी डाला जाता है, और वो बहुत ज़्यादा शुभ होता है। ये देखिए ये पंडित जी से मैंने पूछा था, तो पंडित जी ने ये मुझे ये चीज़ें बताई थी। और ये माता के नवरात्रि चल रहे हैं, तो माता के वहाँ पर हवन था, हवन में डालने के लिए सामग्री में डाला जाता है ये गन्ना। तो और ये देखिए कितने सारे यहाँ नारियल रखे हैं। तो चलो दोस्तों अब मैं थोड़ा आगे चलती हूँ। ये गुफा बनी हुई है यहाँ पे, देखिए जब माता के अनेकों रूप बनाए हुए हैं, जब माँ ने काली का रूप लिया था तो उस प्रकार यहाँ पे माता की सब दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए हर प्रकार के इनके अवतार दिखाए हुए हैं। तो इसमें थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आपको लगेगा जैसे आप वैष्णो देवी माता के मंदिर में ही आए हैं। इस प्रकार की गुफा बनी हुई है जो काफ़ी अच्छी लग रही थी, और यहाँ पर माता भी बनाई हुई है। ये देखिए ये माता ही बनाई हुई है, और सरस्वती, लक्ष्मी जी और माँ दुर्गा। ये देखिए ये वैष्णो देवी में बिल्कुल सेम ऐसा ही होता है। और इससे आगे चलते हैं तो यहाँ पे और भी प्रकार की मूर्तियाँ बनाई हुई हैं। जिस प्रकार ये माता की है, भोलेनाथ जी की है, ये गुफा के अंदर बनाई हुई है दोस्तों, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो एक बार ज़रूर यहाँ पर आए और दर्शन करें। ये देखिए गुफा के अंदर हम जा रहे हैं, और गुफा बहुत भीड़ी सी है, और कोई मतलब ज़्यादा भीड़ नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा भीड़ है भी नहीं गुफा में। तो इसलिए धीरे धीरे करके गुफा हमें बाहर की तरफ निकालेगी। ये देखिए और बहुत अच्छा एहसास हो रहा था कि जैसे हम किसी पहाड़ों में ही आए हुए हैं। ये देखिए कितनी अच्छी गुफा बनाई हुई पतली सी। ये देखिए अब हम चलेंगे बाहर की साइड, दर्शन हम करके आ गए हैं माता के। ये देखो जी, तो ये दिल्ली का सबसे खूबसूरत मंदिर मुझे लगा। दिल्ली में तो बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन ये मंदिर मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा। तो इसमें भीड़ कम है इस कारण मेरे को ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगा दोस्तों। नहीं तो हर मंदिर में भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। तो चलो ऊपर का नज़ारा भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देती हूँ। यहाँ पर राम दरबार है, ये देखिए राम दरबार बना हुआ है। तो यहाँ थोड़ी सी भीड़ है, उसके बाद यहाँ पे, और दोस्तों यहाँ पे ना भंडारा भी लगाया जाता है। भंडारे यहाँ पे कुलचे का और छोले कुलचे बांटे जाते हैं, जो वो कोने में इतने सारे पड़े हैं। ये देखिए ये भंडारे के लिए लेके जा रहे हैं। और ये देखिए मैं यहाँ थक गई थी, तो मैं यहाँ बेंच पे थोड़ी देर के लिए रेस्ट किया मैंने। और ये माता है जहाँ पे दुर्गा माँ है उसके सामने, देखो चलो दुर्गा माता के सामने ये चीज़ें
नौ, मैं आपको दिखाना चाहूँगी कलश रखे हुए हैं, जो बहुत सारे कलश रखे, नौ कलश रखे हुए हैं। और उसके बाद ये है माता के तीनों रूप। और यहाँ पे देखो जो ये कैसे उगाए हुए हैं, ये माता की जोत है अच्छी सी। तो चलो दोस्तों, आप भी कर लीजिए दर्शन, मैंने तो बहुत कर लिए हैं। तो मेरा ये थोड़ा सा छोटा सा व्लॉग आप लोगों को कैसे लगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दें और लोगों को बताएं कि हमारे दिल्ली में या हमारे इंडिया में एक से एक अच्छे मंदिर हैं, तो वहाँ पे हमें टाइम निकाल के जरूर जाना चाहिए। और तो इस प्रकार मैं तो टाइम निकाल के गई थी, तो आप लोग भी कभी भी जाके दर्शन कर सकते हैं माता के, भगवान के, अपनी भावनाएं रखने के लिए या उनको आशीर्वाद लेने के लिए। तो ठीक है दोस्तों, हाय, मिलते हैं नेक्स्ट किसी मंदिर में जाएंगे तब, और नए ब्लॉग के साथ।